दोस्तों, आपने अक्सर वीडियो या फुटेज में नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पर इस तरह के ढेरों मेडल्स लगे हुए देखे होंगे। इन मेडल्स को देखने के बाद आपके दिमाग में जरूर सवाल आया होगा कि इन लोगों ने ऐसा कौन सा तीर मारा है जिसकी वजह से इन्हें इतने सारे मेडल दिए गए। और दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने अपने देश के आम लोगों के साथ साथ अपने देश की मिलिट्री को भी परेशान कर रखा है, जानेंगे इस वीडियो में। किम जोंग उन अक्सर मीडिया पर भी छाए रहते हैं। इन्होंने अपने देशवासियों का रहना इतना मुश्किल कर रखा है कि लोग इन्हें सन की तानाशाह और जाने क्या क्या कहने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सन की तानाशाह के देश में लोगों का क्या हाल है? लोगों का जो होता है वो तो एक तरफ है, लेकिन ये तानाशाह तो अपनी आर्मी को भी नहीं छोड़ता है। इसने अपनी आर्मी का भी हाल बुरा कर रखा है। किम जोंग उन अपने कम्फर्ट में तो किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन अपनी आर्मी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जहां दूसरी तरफ सब देशों की आर्मी को अच्छे से अच्छा खाना, अच्छी से अच्छी सैलरी और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं, वहीं किम जोंग अपनी आर्मी के साथ कुछ उल्टा ही करते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स की कोई वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स अक्सर रोते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा कई वीडियो तो ऐसी होती हैं जिनमें ऑफिसर इतनी बुरी तरह से रो रहे होते हैं मानो उनके घर में किसी की मौत हो गई है। ये काफी अजीब चीज है जो नॉर्थ कोरिया के अलावा किसी और देश की मिलिट्री फोर्स में देखने को नहीं मिलती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए इन्हें मजबूर किया जाता है। असल में नॉर्थ कोरिया का रूल है कि जब भी कोई ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर से मिलता है तो उसे काफी ज्यादा रोना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोग रोकर जाहिर कर सकें कि इन्हें अपने सीनियर ऑफिसर और किम जोंग उन से काफी ज्यादा मोहब्बत है और ये अपने देश के बहुत वफादार सोल्जर हैं और इनके दिल में अपने लीडर्स के लिए काफी ज्यादा इमोशंस हैं। यही दिखाने के लिए ये लोग रोते हैं। और अगर कोई सोल्जर रोता नहीं है तो उसे किम जोंग और नॉर्थ कोरिया का गद्दार मान लिया जाता है, क्योंकि ना रोने का मतलब ये माना जाता है कि सोल्जर के दिल में किम जोंग उन के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। सोल्जर्स को बहुत कड़ी सजा दी जाती है और यही वजह है कि जब भी कोई सोल्जर किम जोंग उनसे या अपने सीनियर ऑफिसर से मिलता है तो उन्हें रोना पड़ता है। अगर कोई सोल्जर रोना नहीं भी चाहता है तो उसे रोने की एक्टिंग करनी पड़ती है ताकि वो अपनी वफादारी साबित कर सके। दोस्तों, ये बिल्कुल पागलों वाली हरकत है। इसके अलावा अगर आपने नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री वीडियोस देखी होंगी तो आपने ये भी देखा होगा कि यहां के बड़े बड़े अफसरों की यूनिफॉर्म पर इतने ज्यादा मेडल और बैच लगे होते हैं कि उनका यूनिफॉर्म भी दिखाई नहीं देता है। जब उनकी शर्ट मेडल से भर जाती है तो यहाँ के लोग इनकी पैंट पर मेडल लगाना शुरू कर देते हैं। जहाँ दूसरे देशों में फौजियों को मेडल तब दिया जाता है जब वो या तो कोई जंग जीत कर आए या उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर पिछले 60 सालों में ना तो कोई जंग लड़ी गई है और ना ही इनका कोई फौजी किसी जंग में शहीद हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इन्हें इतने सारे मेडल क्यों दिए जाते हैं? इनकी यूनिफॉर्म को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जंगे यही के सोल्जर लड़ रहे हो। असल में यहाँ के सोल्जर्स को मेडल देने का रिवाज किम जोंग उन के फादर किम जोंग इल ने शुरू किया था और इस काम के पीछे भी उनका एक मकसद था। असल में वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर राज करना चाहते थे और बिना मिलिट्री के मदद के ऐसा कर पाना नामुमकिन था। और अपने सोल्जर्स का दिल जीतने के लिए किम जोंग इल ने बिना किसी वजह से सोल्जर्स को मेडल देना शुरू कर दिए ताकि वो उनके फैन हो जाए। यानी कि अगर कोई फौजी अच्छे निशाने लगाता है तो किम जोंग इसे भी मेडल दिया करते थे। इसके अलावा अगर कोई अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करता है तो भी उसे किम जोंग इल मेडल दे दिया करते थे। दोस्तों, किम जोंग इल सोल्जर्स को मेडल इस तरह से बांटते थे जैसे कि हम अच्छा काम करने पर अपने बच्चों को टॉफियां बांटते हैं। और यहाँ के सोल्जर भी इतने ज्यादा बेवकूफ थे कि ये इन मेडल से खुश होकर इन्हें सब कुछ मानने लगते थे। और आज भी नॉर्थ कोरिया में इसी ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा मेडल का ये सिलसिला सिर्फ एक जनरेशन पर खत्म नहीं होता बल्कि ये पूरी 3 जनरेशन तक चलता है। यानी कि अगर किसी फौजी को 20 से 30 मेडल मिले तो जब इसका बेटा फौजी बनेगा तो उसके सारे मेडल उसके बेटे की यूनिफॉर्म पर लगा दिए जाएंगे। इसी तरह जब तीसरी नस्ल पैदा होगी तो इस सोल्जर को इसके बाप और दादा दोनों के ही मेडल दे दिए जाएंगे, फिर चाहे इस सोल्जर के अंदर कोई क्वालिटी हो या नहीं। इससे नॉर्थ कोरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आर्मी में रहकर काम करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि एक सोल्जर को अपने सर पर कफन बांध कर ये ड्यूटी करनी पड़ती है और जब मुश्किल समय आता है तो ये सोल्जर अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते और उनके इसी काम की वजह से
दुनिया के हर देश में उनके सोल्जर्स को एक अच्छी सैलरी दी जाती है। यह सैलरी उनकी मेहनत का फल होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ फौजियों को सैलरी लोगों की पॉकेट मनी से कम दी जाती है। अगर नॉर्थ कोरिया में कोई ऑफिसर हाई पोस्ट पर होता है तो उसे $1200 सैलरी के रूप में दिए जाते हैं। इसके बाद वाले ऑफिसर की सैलरी $1100 होती है, और वो ऑफिसर जो सबसे छोटे लेवल पर होते हैं उनकी सैलरी में सिर्फ $4 से $6 ही आते हैं। दोस्तों, ये सैलरी इतनी ज्यादा कम है कि इसके जरिए ये लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने की तो बात बहुत दूर की है, दो वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते हैं। अगर किसी सोल्जर को अपनी सैलरी में $1 या $1.50 बढ़वाना होता है तो इसे पूरे महीने एक्स्ट्रा वर्क करना होता है। इसके अलावा जहां दूसरे देशों में सोल्जर्स को खाने के लिए अच्छे से अच्छा खाना दिया जाता है ताकि ये लोग हेल्दी रहें, इसके अलावा उनके रहने के लिए भी अच्छी से अच्छी जगह प्रोवाइड की जाती है और उनकी जरूरत का भी खास ध्यान रखा जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के सोल्जर को जरूरत की चीजें तो दूर की बात है, खाना भी ठीक तरह से नहीं दिया जाता, और इस बात का अंदाजा आप यहाँ के सोल्जर की बॉडी को देखकर ही लगा सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, और जब इन्हें खाना दिया जाता है तो खाने की टेबल पर लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं, और ये लाइन इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि कुछ फौजियों की बारी आने तक तो खाना ही खत्म हो जाता है और वो लोग भूखे ही रह जाते हैं। और इसकी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर मिलिट्री काफी ज्यादा है और यहाँ खाने का बजट बहुत कम बनाया गया है, और यही वजह है कि ज्यादातर सोल्जर को पेट भरकर खाना भी नहीं मिल पाता है। इसके अलावा ये सोल्जर्स जिन कैंप्स के अंदर रहते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं। साथ ही साथ एक एक कैंप के अंदर 15 से 25 सोल्जर को रहना पड़ता है। इसके अलावा जहां दूसरे देशों में लोग अपनी मर्जी से फौज में भर्ती हो सकते हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसे फौज की ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी होती है। अगर कोई इंसान फौज में नहीं आना चाहे तो भी यहाँ का कानून इतना ज्यादा सख्त है कि उसे फौज में भर्ती होना ही पड़ेगा। फिर कोई लड़का हो या लड़की, नॉर्थ कोरिया के अंदर हर लड़के को 10 साल फौज में गुजारने पड़ते हैं, वहीं लड़कियों को पूरे 7 साल तक फौज में रहना पड़ेगा। यहाँ अगर कोई हाई एजुकेशन लेकर किम जोंग उन के लिए फायदेमंद साबित होता है तो उसके लिए फौज का टाइम 10 साल घटाकर 5 साल कर दिया जाता है, या फिर अगर कोई वैज्ञानिक या डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे फौज में सिर्फ 3 साल रहना पड़ता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, इस देश में हर लड़के और लड़की को फौज में कुछ ना कुछ साल तो जरूर देने ही पड़ेंगे। और अगर बात की जाए उनकी यूनिफॉर्म की तो उनकी यूनिफॉर्म भी काफी ज्यादा घटिया क्वालिटी की होती है। जहाँ दूसरे देशों में सोल्जर्स की यूनिफॉर्म बनाते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि उन्हें इसमें कम्फर्ट फील हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ दूसरे देशों में मिलिट्री की यूनिफॉर्म उनके लिए प्राउड फील कराती है, वहीं नॉर्थ कोरिया के सोल्जर इस यूनिफॉर्म को पहनकर परेशानी में पड़ जाते हैं। उनका यूनिफॉर्म काफी ज्यादा घटिया क्वालिटी का बना होता है। इसके अलावा सोल्जर्स को कभी भी उनके साइज का यूनिफॉर्म नहीं दिया जाता। इनका यूनिफॉर्म इतना ज्यादा बड़ा होता है जिसे देखकर लगता है कि उन्होंने मांगे के कपड़े पहने हों। यहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर्स का भी यूनिफॉर्म बिल्कुल ऐसा ही होता है, और 2 साल में सिर्फ एक यूनिफॉर्म और एक ही जूतों का पेयर दिया जाता है। अगर उससे पहले कोई भी चीज खराब होती है तो भी सोल्जर को उसे ठीक करवा कर वही चीज पहननी पड़ती है। ये सब सोल्जर की ही जिम्मेदारी होती है, जिससे यहाँ की गवर्नमेंट को कोई भी मतलब नहीं रहता। अब अगर तुम्हें अच्छी यूनिफॉर्म चाहिए तो खुद पैसे खर्च करो,